उनके जो प्राइमरी डॉक्टर्स थे और पहला डॉक्टर चेक करने वाला, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये तमाम जब पता चला तो उनके मुताबिक ये है कि इसको बहुत ही जबरदस्त कारी जर लगाया गया है। उस्मान साहब तो ऐसे जैसे सूरज की रोशनी, हर एक को मालूम है, ना कोई इससे इनकार कर सकता है। इसने तमाम उम्र माखूम कौमों के लिए, बिलखसूस पश्तून वतन के लिए, अफगान वतन के लिए इसने जदोजहद की है, और तमाम मजलूम तबकात के लिए जो दुनिया के हर जगह में है और खुसूसन हमारे इस मुल्क में जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे हर एक के लिए, हर मजलूम के लिए इसने जदोजहद की है। उनकी जदोजहद से, उनकी जदोजहद से, उनकी पुकार से, उनकी रोशनी से, उसके हर एक चीज से, और हमेशा रहेंगे, ना हमें और कोई ऐसे मिल सकता है। वह ऐसा है कि जिस दिन हम इसको हॉस्पिटल ला रहे थे तो दुश्मनों ने ऐसे धोखादही के लिए ऐसे प्लान बनाया था कि ये समझे कि ये तबीयी मौत है, मगर उनके जो प्राइमरी डॉक्टर्स थे और पहला डॉक्टर चेक करने वाला, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये तमाम जब पता चला तो उनके मुताबिक ये है कि इसको बहुत ही जबरदस्त कारी जर लगाया गया है उसके लेफ्ट कारी जर। ये रिपोर्ट्स में है, ये एक्सरे में है, ये सिटी स्कैन में है। सवेरे कराची से रवाना होंगे, बाय रोड बरास्ताहाब, खुजदार, कलात और क्वेटा पहुंचेंगे। रास्ते में जो भी हमारे माकूम कौमों के साथी हैं, जो हमारे पश्तून वहां पे रहते हैं, वो उनके तवसुत से इधर आएगा और यहाँ शाम तकरीबन 5-6 बजे पहुंचने के बाद रात यहीं पे गुजरेगी, और 23 जून को सुबह 8 बजे क्वेटा से रवाना होंगे हिंदूबाग के लिए।